आज तक जो दी है कमेटी को वो यही है कि कई लोगों ने शॉर्ट सेलिंग जरूर करी 24 जनवरी को या उसके आसपास, लेकिन उसमें अडानी ग्रुप का हाथ नहीं है, कोई रेगुलेटरी फेलियर नहीं है। लेकिन कमेटी ने कहा है कि भाई ये जो कानूनी नियम है सेबी के और नियम जो हैं उनको और पुख्ता किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, वो आगे बात फ्यूचर की है। सभी इन्वेस्टिगेशन अभी और कर रही है, लेकिन आज का जो नतीजा है उससे ये साफ जाहिर है कि अडानी ग्रुप ने सभी या और कोई कानूनी वायलेशंस स्टॉक मार्केट में नहीं किए। शॉर्ट सेलिंग को देखकर जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले शॉर्ट पोजीशन ले ली थी, क्या ये एक इशारा है कि और आप लोग भी इसको उठाएंगे कि एक खास मोटिवेटेड पर्पस से भी इसको? देखिए, हमने पहले भी कहा था, अडानी ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो खुद ही मोटिवेटेड है। उनका काम ही ये है कि पहले एक क्राइसिस क्रिएट किया जाए, उस टाइम पे शॉर्ट सेलिंग करी जाए, फिर सस्ते में खरीदा जाए और महंगे में बेचा जाए। ये हिंडनबर्ग का काम है और ऑब्वियसली हिंडनबर्ग से या जान के या बगैर जाने ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग की जो आने वाली थी वो कहीं ना कहीं लीक हुई है। लोगों ने इसका अनऑथराइज फ़ायदा उठाया है, लेकिन इस फायदे से अडानी का कोई कंसर्न नहीं, ये भी एक क्लियर फैक्ट है। देखिए, मैंने आपको बताया सेबी की इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन सेबी ने जो आज तक कहा है उसका मजमून आपको सुप्रीम कोर्ट के जज की कमेटी में साफ जाहिर है, और वो ये जाहिर करता है कि आज तक कोई वायलेशन अडानी ग्रुप की नहीं है किसी भी मुद्दे पे, चाहे आप ले लें रेगुलेटरी फेलियर पे, चाहे आप प्राइस स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन पे, चाहे स्टॉक शॉर्ट सेलिंग पे या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन हमेशा जब कोई रिपोर्ट या कमेटी देखती है तो वो उसके तौर तरीके भी देखती है क्या पैरामीटर्स हैं, और उनको पुख्ता या स्ट्रेंथन करने के लिए हर कमेटी को काम करना चाहिए, और अडानी ग्रुप भी उससे कोऑपरेट करेगा कि अडानी के खिलाफ तो कुछ निकला ही नहीं है। अल्टीमेटली आप बात सबसे बड़ी बात ये समझिए कि ये अटैक बोलने के लिए तो अडानी ग्रुप पे है, लेकिन इसका इम्पैक्ट किस पे है? सिर्फ मिस्टर अडानी पे तो नहीं है ना, ये इम्पैक्ट उनके लाखों शेयर होल्डर पर पड़ा है जिनके खिलाफ ये रिपोर्ट ऐसी आई है, बेबुनियाद रिपोर्ट है। तो स्टॉक में जिन्होंने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, चाहे 10 शेयर हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, उनकी स्टॉक वैल्यू को अफेक्ट हुआ है, अफेक्ट वो हुआ है। सो रियली स्पीकिंग दिस इज एन अटैक ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड द लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स हु हैव पुट देयर फेथ इन दिस अडानी स्टॉक लाइक एनी अदर बिग स्टॉक, एंड रियली दे आर द वंस हु आर बीइंग अफेक्टेड। एंड आई एम हैप्पी टू नोट दैट अडानी ग्रुप हैज कम आउट अनस्केथ्ड इन दिस रिपोर्ट। थैंक यू। है? अरे बोल तो दिया हिंदी में भाई, अब बोल। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द व्यूअर्स मस्ट नो दैट बेस्ड ऑन द हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन January 24, 2023, द मैटर रीच द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड ए कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड जज called Mr. Justice A.M. Sapre. So that committee went into the allegations as if Adani Group has indulged in various malpractices and like short selling or like related party transactions or manipulation of the stock price in the market or not complying with certain other laws, etc. So the committee has submitted its report today. In that executive summary of the report which I have read, which also has inputs of SEBI, which is still yet to complete its investigation. So that executive summary clearly says that the Adani Group is beyond any suspicion. There is no wrongdoing found by the Adani Group or by the Adani companies, whether it is stock price manipulation allegation, whether it's an allegation of
minimum public shareholding or an allegation that the related price transactions were wrong or anything like that. In fact, it goes a step further to positively state that the Adani Group has taken proper mitigating features and factors after this Hindenburg report in the last 4 months to build and boost the investors' confidence in the stock market. The prices of the stock have not reached back to the pre-24 January levels, but the report says that the stock is stable and there is no other cause to worry. So my suggestion to everybody is that there is no need to panic. The company is sound. It has sound fundamentals. What the price is in the market, that is ultimately reflective of the strength and soundness of the company, and normal market practice positions should prevail. Sir, one more question. The committee report has already planned several transactions that are under investigation since 2020, not just after the report, and the fact that several companies are under investigation by SEBI also. See, as I said, SEBI is still investigating. But those investigations till today have not shown anything against the Adani Group. And therefore, if profiteering is done by virtue of some unscrupulous practices, then obviously they should be taken to task. It has nothing to do with the Adanis. Thank you.